कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने के साथ साथ इसके इलाज में सरदार भी साबित हो रही दवाओं पर दुनिया की उम्मीदें टिकी है। फिलहाल इबोला के इलाज में काम आने वाली रेमडेसिविर एकमात्र ऐसी दवा है जो कोरोना के इलाज में बेहद असरदारी नजर आई है। WHO सॉलिडेटरी ट्रायल के अंतर्गत जिन चार दवाइयों पर परीक्षण हो रहा है उनमें ये दवा भी शामिल है। इसे बनाने वाली कंपनी गिलेड ने भारत और पाकिस्तान की 5 जेनरिक दवा निर्माताओं के साथ करार भी किया। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं के पक्षधर 2 समूहों ने भारत सरकार को रेमडेसिविर दवा के एक अधिकार के संदर्भ में एक पत्र लिखा। इस पत्र में रेमडेसिविर दवा के लिए गिलेड साइंसेज को दिए गए पेटेंट रद्द करने की मांग की गई। स्वास्थ्य समूहों का कहना है कि पेटेंट रद्द करने से इस दवा को दुनिया भर के कोरोना वायरस मरीजों विशेष रूप से गरीब देशों में वितरित किया जा सकेगा। लेकिन कुछ स्वास्थ्य समूहों का कहना है कि समझौते का मतलब ये है कि ये दवा उन देशों को सस्ते में उपलब्ध नहीं हो सकती जो इन 5 दवा निर्माताओं के लिए फायदेमंद है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।